हेलो गाइस, आई एम टेकिंग टू अवर न्यू सेंटर इन धर्मपेट, एग्जैक्टली बाटू भाई ज्वेलर्स के सामने, धर्मपेट की मेन मार्केट के अंदर. यू विल फाइंड द सेंटर एंड यू कैन कम अप एंड टॉक टू अस एनी टाइम रिगार्डिंग योर कैट सीटी प्रिपरेशन. ये मोबाइल फोन है, इसको बटन दबाने से ऑन होता है कैमरा. 97% अवर नागपुर ब्रांच. आई एम जस्ट किडिंग, प्लीज मेरी बातों को बुरा मत मानना. पहला क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी का, शुड आई टर्न राइट और लेफ्ट, कहाँ जाने का है? इस पे देखो आंसर आ रहा है, ही सेड टर्न राइट. आप सड़क पे जा रहे हो, वन ने बोला टर्न राइट, टू ने बोला लेफ्ट, कहाँ जाना चाहोगे? सो हार्डली आई शुड टेक अ यू टर्न वापस. सो ऑफकोर्स आई कांट टेक अ यू टर्न, आई हैव टू पिक अ वन डायरेक्शन. तो वन से आंसर मिला येस आई कैन टर्न राइट. सेकेंड ने उसे बोला कि टर्न लेफ्ट, आंसर मिला. तो क्या मार्क करने का? बोथ के ईच, बोथ इज रॉन्ग बिकॉज राइट भी लेफ्ट भी ये नहीं हो सकता. हैव टू पिक मार्क वन आंसर. सो इन दिस केस आंसर इज ईच ऑफ देम इज सफिशिएंट टू गेट द आंसर. सेकंड क्वेश्चन बहुत प्यारा था, इज द कलर ऑफ माई टी शर्ट ब्लैक? सो नागपुर में मैं जब भी आता हूँ आई ऑलवेज वेयर ब्लैक एंड टूडे आई एम इन नागपुर. सो मतलब कलर का टी शर्ट इज ब्लैक. वेन एवर आई एम इन पुणे आई वेयर वाइट, टूडे आई एम इन पुणे. तो कहां से आपको आंसर मिलेगा कि कलर का टी शर्ट ब्लैक है? वन में किसी को डाउट? वन तो आएगा. टू के बारे में क्या बोलते हो? सॉरी, अभी अगर भाई ने बोला पापा पैसा दो गोवा जाना है, अगर डैड ने पैसा दे दिया तो आंसर मिला उसको? आंसर मिल गया. अगर डैड ने थप्पड़ मार दिया आंसर मिला? Yes. मिला, नहीं तो यही बोला अरे पैसे तो आए नहीं, थप्पड़ मारा, मतलब क्या उसका? ना भी आंसर है, यस तो आंसर है ही है, ना इज ऑल्सो एन आंसर. सो इफ आई एम वेयरिंग वाइट, सो डू यू गेट आंसर कि टी शर्ट कलर ब्लैक है कि नहीं है? ऑब्वियस आंसर मिल गया मेरे को. सो नो इज ऑल्सो एन आंसर. सो जब भी क्वेश्चन आएगा ऑन इज, आंसर येस भी चलेगा और नो भी चलेगा, बोथ आर इक्वली गुड आंसर. सो वन से ऑब्वियसली आंसर मिला कि येस द कलर इज ब्लैक, नो से भी आंसर मिला कि यस द कलर इज नॉट ब्लैक. आर विद मी? इट्स अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. जब भी इज आएगा बस ध्यान से करना, इज एक्स इवन नंबर, ए एक्स का वैल्यू आया 2, बी एक्स का वैल्यू आया 3, ईच ऑफ देम इज सफिशिएंट टू गेट द आंसर. यहां से भी आंसर मिल रहा है, वहां से भी आंसर मिल रहा है, दोनों से हम गेटिंग द आंसर. ओके, ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स का वैल्यू 40 और 50 के बीच में है, एक्स का वैल्यू 40 और 50 के बीच में है. नंबर वन, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, नंबर टू, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5. बोथ गलत जवाब, सब गलत. मैं पहले बोला ये सब आपके रॉन्ग होने वाले हैं आज. अपनी प्रॉब्लम क्या, वी ऑलवेज कंबाइंड, कंबाइंड करते ही मल्टीपल ऑफ 15, ए की वैल्यू 45. बट इफ आई लुक एट अलग अलग, मल्टीपल ऑफ 3 क्या है? 42, 45, 48, तीन वैल्यू बनता है. एंड मल्टीपल ऑफ 5 कितना है? ए की वैल्यू 45. तो इसका आंसर इज ओनली 2. इसका आंसर इज ईच ऑफ देम सफिशिएंट टू गेट द आंसर. इसका आंसर इज ओनली 2. आपका प्रॉब्लम समझा, डेटा सफिशिएंसी का प्रॉब्लम बहुत इजी क्वेश्चन है, बट वो ऐसा घुमाएगा एग्जाम के टाइम पे कि अपन घूमते रह जाएंगे. एक और क्वेश्चन देखते हैं वाला. वी हैव अ पजल, पूरा पजल है विद 8 क्वेश्चन सीटिंग इन अ सर्कुलर टेबल. मतलब अगर सॉल्व करने बैठूंगा 2 मिनट कम से कम खाएगा ही खाएगा. तो मेथड में ना ईमानदारी इज्जत से अपन सॉल्व करेंगे, वी कैन सॉल्व एवरीथिंग. सो अपन ईमानदारी से विल सॉल्व. अगर ईमानदारी दिखाने का टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, मूड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन 2 मिनट खाएगा कम से कम. आई हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी सी डी, देन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ई एफ जी एच एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन. 2 मिनट खाएगा, मेरे को सॉल्व नहीं करना. तो मेथड नंबर 1, ऑब्वियसली अपन इज्जत दिखाएंगे. अगर इज्जत नहीं दिखा सकते तो फिर क्या करना है? देन आई कैन प्ले ऑन द अप्रॉक्सीमेशंस. इधर से ए बी सी डी का रिलेशनशिप आपके पास है नंबर 1 से,
ए के ऑपोजिट कौन आएगा पता नहीं। इधर से ई एफ जी एच का रिलेशनशिप है, सो गॉट द रिलेशनशिप ऑफ डेटा फॉर ऑल द 8 पीपल, बट आर दे आपस में रिलेटेड? ए बी सी डी ई एफ जी एच तक का मेरे पास डेटा है, ओके सब लोग का डेटा है अपने पास, बट लिंक मेरे को नहीं दिख रहा। एक बार ये देखो, उसके बाद मैं आता हूँ वहाँ पे। सो पजल का क्वेश्चन देखे, डेटा डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन देखे, ब्रेन रिलेशनशिप क्वेश्चन देखे, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड जी, उसका पापा है, दादा है, अंकल है, या ए उसके नॉर्थ में है, उसके साउथ में है, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू गेट। ए आई हैव द डेटा ऑफ ए बी सी डी, चार लोग का डेटा है अपने पास। बी आई हैव द डेटा ऑफ डी ई जी एफ जी, सो कैन यू फाइंड द आंसर? अरे ए बी सी डी दे दिया, डी आगे ई एफ जी एच एच तक का डेटा आ गया, तो ए एंड एच का डेटा निकलेगा दोनों से, यस आंसर बोथ। यहां पे भी ए एंड एच का डेटा है, लेकिन डी एंड ई के बीच में लिंक ही नहीं है कोई। अगर यहां पे डी की जगह ई दिया होता, ए बी ई ई तक आ गया, ई से जीत, आई कैन फाइंड द आंसर, ओके। सो एग्जाम में अगर सॉल्व करने का हिम्मत नहीं है, एनर्जी नहीं है, टाइम नहीं है, मूड नहीं है, एक बार इज्जत दिखा के देख लो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 5 क्वेश्चन दोगे, मेरे 3 मार्क्स ही आते थे हमेशा, ये टॉपिक में 3 नंबर ही आया, कोई कहना कि रॉन्ग होता ही था मेरा। सो इन 5 मिनट्स आई यूज टू डू दिस थिंग, 3 नंबर। फिर हमने अप्रॉक्सीमेट करना स्टार्ट किया कि यहाँ पे ई ई नहीं है, आंसर नहीं आएगा, ई दिया है आंसर आएगा, अप्रॉक्सीमेशन करके आंसर मार्क करने शुरू किए, 5 में 3 नंबर सेम नंबर, तो फिर इज्जत क्यों दिखाऊँ मैं, ओके वो भी नहीं करना अगर। सो इफ आई डू अप्रॉक्सीमेशंस, देन जो मैंने ये बोला कि यहाँ पे दिख रहा है कि सबका डेटा दिया है, तो अप्रॉक्सीमेशन आई एम गेटिंग 3/5, वो भी नहीं करना। इसमें भी मार्क्स नहीं आ रहा, इधर भी मार्क्स नहीं आ रहा, फिर प्योर जी स्ट्रेटजी, द मोस्ट कॉमन आंसर इज इधर नन या बोथ। 5 में 3 क्वेश्चन का आंसर बोथ या नन होता है। अगर तो तुम मेरे को डेटा भर भर के दोगे, आई विल मार्क बोथ, अगर तुम एक और डेटा कम दोगे, आई मार्क नन, सिंपल जी स्ट्रेटजी। अब पंगा बस गया कि मेरी किस्मत इतनी पांडू है कि मैं नन मार्क करूंगा तो आंसर बोथ होगा, और बोथ मार्क किया तो आंसर नन होगा। तो अगर एक ऑप्शन चाहिए तो नन। सो माई बैकअप प्लान फॉर डेटा सफिशिएंसी इज वेरी सिंपल, एग्जाम में अगर टाइम नहीं मिलेगा तो ऐसे नहीं, पहले ईमानदारी दिखा लो, आई मार्क द आंसर नन ऑफ दीज। 5 में से 1 या 2 मार्क्स तो आएगा ही आएगा, विवाद 5 में 2 क्वेश्चन में नन ऑफ दीज होता ही होता है। किसी के 4 नंबर भी आ गए तो ज़्यादा खुश मत होना, अगले टेस्ट में कम हो जाएगा, ताकि एवरेज तुम्हारा 2 ही आने वाला है। सो आइडली व्हाट आई विल डू, 2-3 क्वेश्चन जो छोटे थे आई विल सॉल्व इज्जत से, और लास्ट का 2-3 क्वेश्चन जो मेरे को नहीं समझ आ रहा था उसमें मैंने जी स्ट्रेटजी मार्क किया, राइट। और जी स्ट्रेटजी अप्लाई करने के बाद, एग्जाम रिजल्ट आने के बाद देखो किसी ने कॉल किया कि मैंने जी स्ट्रेटजी ज्वाइन किया, मेरा जे भी नहीं हुआ, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सर मेरा खुद का जे भी नहीं हुआ जी स्ट्रेट लगा के, आई एम अप्लाई जी स्ट्रेटजी फॉर द लास्ट 5 ईयर, आई एम गेटिंग 90-85, एक बार गलती से 96 आ गया था, लास्ट ईयर 89 आया, मेरा एवरेज इज 90%, मेरा खुद का 90 पार नहीं हुआ जी स्ट्रेटजी लगा के, तेरा 99.93 आएगा, फाइन। तो ऑब्वियसली बात है, इतना तो हमें वो लेके चलना पड़ेगा कि यू कांट बी ए टॉपर, बट कट ऑफ क्लियर हो सकता मेरा। सो आइडली 120 मार्क इज्जत से दिखाएंगे, 120, 140, 150 तक आई विल अटेम्प्ट इज्जत से। आखिरी 50 क्वेश्चन जो मैं नहीं कर पाता उसके लिए मेरे पास जी स्टडी चाहिए। सो 14 फेब को आई एम कीपिंग अ वर्कशॉप, ऑस्पिशियस डे, तो 14 फेब को आई एम कीपिंग अ वर्कशॉप ऑनलाइन। 14 फेब को हम डिसाइड करेंगे, ये मेरे प्यारे टॉपिक है, दीज आर माई फेवरेट टॉपिक्स, दीज आर द टॉपिक आई हेट। जो टॉपिक तुम हेट करते हो वो हम एक बार कोशिश करेंगे ट्राई करने का, इम्प्रूव करने का, एक लास्ट अटेम्प्ट। देर आर वेरियस टॉपिक इन मैथ्स विच पीपल आर गोइंग टू लीव, तो यार छोड़ो मत यार, कुछ तो करो उसमें से, फाइन। सो लाइक दिस देर आर जी स्ट्रेटजी फॉर एवरीथिंग, हम इज्जत भी दिखाएंगे, ये भी करेंगे, ये नहीं कर सकते तो ये, ओके। So this is the way I wanted to perform. Okay.